हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च। टुडे मैच सनराइज हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। दोस्तों, सनराइज हैदराबाद वर्सेज आरसीबी बीच का मुकाबला आज आरसीबी ने यहाँ टॉस जीता है या फैसला किया है बॉलिंग का। तो आज हैदराबाद कर रहा है यहाँ पे बल्लेबाजी। 79 की पारी खेली है 2 विकेट नुकसान पे, 10 ओवर की पारी हो चुकी समाप्त यहाँ पे, 8 की आरी प्रति ओवर 100 यहाँ पे। दोस्तों, यदि बात करें अभिषेक शर्मा की तो 14 के दो सामना करते हुए 11 रन की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली यहाँ पे, 2 चौके आ चुके उनके बल्ले से, 78.57 रही स्ट्राइक रेट। दोस्तों, इस तरह से आज का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा रहा है। यदि बात करेंगे आरसीबी की तो बॉलिंग रही बैट्समैन की, अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ पे, 2 विकेट चढ़ गए हैं यार बैट्समैन ने। दोस्तों, बैटिंग की बात करेंगे, अभिषेक शर्मा 11 रन बना के आउट हुए बैट्समैन की गेंद पे। लामोन ने यहाँ पे कैच लपका है, आसान सा कैच था, लामोन के हाथों में जा गिरी गेंद, वो अच्छा सा कैच लपका और यहाँ पे बैट्समैन को मिला विकेट, और 1 विकेट मिला था यहाँ पे बैट्समैन को पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में। राहुल त्रिपाठी आए बल्लेबाजी करने, 15 रन की पारी खेली उन्होंने 12 गेंदों में। दोस्तों, 12 गेंदों सामना करते हुए 15 रन की शानदार पारी खेली थी, 2 चौके 1 चक्का उनके बल्ले से आया था, 125 की थी उन्होंने स्ट्राइक रेट। बेसवरी गेंद पे पटेल ने यहाँ पर कैच लपका और राहुल त्रिपाठी 15 रन बना के आउट हुए 12 गेंदों में। यदि बात करें यादव अक्रम कैप्टन, दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे 13 गेंदों में 13 का सामना किया है, अभी 13 रन बनाए हैं इस मैच में, 100 की स्ट्राइक्स आ रही है रन रेट यहाँ पे। हेनरिस क्लासन की आ रही 200 गेंद आ रही है, प्रति ओवर 2 रन आ रहे हैं उनके 19 गेंदों में। 39 रन की पारी खेली है अभी तक इस मैच में, बहुत ही शानदार पारी हुई है, 19 गेंदों सामना करते हुए 39 रन बनाए यहाँ पे हेनरिस क्लासन ने। नोट आउट है, बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रीज मौजूद है अभी तक, वो 6 चौके इस मैच के लगा चुके हैं, वो यहाँ पे 1 चक्का आया है उनके बल्ले से त्रिपाठी के बाद। दोस्तों, 2 चक्के अभी तक आए हैं इस मैच में। सनराइज हैदराबाद वर्सेस आरसीबी के बीच का मुकाबला है, 64वां मुकाबला। दोस्तों, आईपीएल 2023 का मुकाबला आज 64 मुकाबला है जो दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है, आरसीबी वर्सेस एचआरएस। दोस्तों, आरसीबी ने यहाँ पे टॉस जीते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया और अच्छी कर रहे गेंदबाजी, बैट्समैन की अच्छा बल्लेबाजी की यहाँ पे, 80 की पारी हो चुकी है, 2 विकेट गिरे अभी तक, 10 ओवर पाए। दोस्तों, आ रही रन रेट 8 की प्रति ओवर रन रेट आ रही है इस मैच में, सनराइज हैदराबाद वर्सेज आरसीबी बीच का मुकाबला। दोस्तों, पहले नंबर पर अभी चल रही है आरसीबी, नंबर 6 आए हैं, 1 नंबर गुजरात से है, 2 नंबर चेन्नई सुपर किंग है। दोस्तों, लखनऊ भी बाजी मार चुकी है वापस, तो यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए यहाँ बहुत ही शानदार और खूब से पारी खेली है। दोस्तों, टोटल 79 पे 2 विकेट गिरे हैं अभी तक इस मैच में सनराइज हैदराबाद के। 220 ओवर का मैच है यहाँ पे, तो 74 मैच होने हैं और 63 मैच हो चुके हैं, 64 मैच हो चुके हैं अभी, 10 मैच बाकी है, कुल 10 मैचों में से 3 मैच होने हैं प्ले ऑफ पे, 11 सेमीफाइनल होंगे, उसके बाद दोस्तों फाइनल मैच खेला जाएगा, प्ले ऑफ में जाएगी 6 टीमें, वो 4 टीमों को जाना पड़ेगा वापस घर अपने। और दोस्तों, यहाँ पे टोटल मैच होने यहाँ पे 74, वो दूसरे भी मैच हुए हैं, 64 मैच हो चुके हैं, क्योंकि 10 मैच बाकी है अभी। और दोस्तों, यहाँ पे 5 मैचों के बाद 4 मैच हो गए पर अंतिम में, और यहाँ पे 6 मैच होंगे, और 6 मैच में से 12 टीमें भिड़ेगी, उस 12 टीमों में से जो 6 टीमें होगी वो पहुँचेगी आगे, और दोस्तों यहाँ पे 6 टीमें आगे जाएगी, 4 टीमें यहाँ पे अपना अंतर लेके घर जाएगी वापस। तो गुजरात, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ, मुंबई की अच्छी पकड़ खो चुकी है, मजबूत एलिमेंट्री तक जाने का चांसेस बढ़ गए हैं, और पहले एलिमेंट्री में गुजरात पहुँच चुकी है, पहला एलिमेंट होगा चेन्नई में मुकाबला, दूसरा भी चेन्नई में होगा, और लास्ट के अंतिम 2 मुकाबले फाइनल और सेमीफाइनल होने होंगे अहमदाबाद में। दोस्तों, मुकाबला अच्छा रहा है यहाँ पर, 64 मुकाबला आज का बहुत ही शानदार रहा है, आरसीबी वर्सेस एचआरएस के बीच मुकाबला बहुत ही अच्छी और खूब से यहाँ पे देखने मिली है गेंदबाजी, और फैसल 2 विकेट मिले, कैप्टन बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। दोस्तों, बात करेंगे बॉलिंग की परफॉर्म किस तरह इस पेज पर, कितने डाले प्लेयर्स ने, बहुत ही अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी देखने मिली है यहाँ पे, और रन्स भी कम आए राशि की तरफ से, बहुत ही सूझबूझ से यहाँ पे गेंदबाजी की गई है, और सूझबूझ से यहाँ पे गेंदबाजी के बाद एक भेजा जा रहे हैं। तो बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज यहाँ पे 2 डाले उन्होंने, वो 6 रन दिए उन्होंने, बहुत ही कम रन दिए, अच्छी रही इनकी इकोनॉमी 3 की, वैनी पन्नल के हुए 2 और 21 रन दिए यहाँ पे, 10 बजाय इकोनॉमी रही इस मैच में। मिचेल ब्रेसवेल की बात करेंगे तो 2 डाले 13 रन दिए यहाँ पर, 2 विकेट यहाँ पर मिली है, विकेटें बड़ी विकेट मिली है, 6.50 इकोनॉमी रही इनकी, बहुत ही शानदार मिचेल ब्रेसवेल की गेंदबाजी। शहबाज अहमद की बात करेंगे तो 1 को डाला 14 रन दिए यहाँ पे, 16 की इकोनॉमी रही उनकी। फैसल पटेल दोस्तों 2 डाले 12 रन दिए यहाँ पे, 7 की इकोनॉमी रही है। करण शर्मा 1 और 11 रन को विकेट मिला, ब्रेसवेल की अच्छी गेंदबाजी हुई है, 2 विकेट मिले उनको इस मैच में। दोस्तों, बैटिंग हैरी बुक्स बाकी हैं, ग्लेन फिलिप्स आएंगे, अभिषेक अब्दुल सहमत, भुवनेश्वर कुमार, कार्तिकेय त्यागी, मयंक डागर, नीतीश शर्मा, नीतीश कुमार रेडी है बल्लेबाजी करने आएंगे। 27 पहला विकेट अभिषेक शर्मा का क्या था, 5 चौके पहले गेंद पे,
राहुल त्रिपाठी का गिर गया 28वें विकेट त्रिपाठी का, 5 ओवर 30 गेंद गिरा था। दोस्तों बात करें यहाँ पर चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से, तो विराट कोहली है, एब्दुल ब्लेसिस, एलन मैक्सवेल, महिपाल लामोर, मिशेल प्रेसवेल, अर्जुन रावत, शहबाज अहमद, हर्षद पटेल, वन पंडेल, करण शर्मा और मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी करने उतरेंगे इस मुकाबले में। आज का मुकाबला बहुत ही शानदार है, यहाँ पे चुदा हुआ जा रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत गेंदबाजी हुई है। दोस्तों मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा है, ब्रेसवेल की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, यहाँ पर 2 विकेट मिले, यहाँ पर 13 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट भी मिली इस मैच में। मोहम्मद सिराज 2 ओवर डाले, पंडेल ने डाले 2 ओवर, पीछे ब्रेसवेल को 2 ओवर, शहबाज के मत 2-1 ओवर है। दोस्तों अभी तक करीब करीब गेंदबाज 1 ओवर बाकी है, 2 ओवर डालेंगे इस मैच में। हर्ष पटेल दोस्तों यहाँ पे 2 ओवर डाले हैं, 12 रन दिए यहाँ पे 7 विकेटों में। दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिली, यहाँ पे विकेट गिरा 27 बल्लेबाज बी शर्मा का 5 ओवर पहले गेंद पे, और 28वें विकेट गया था राहुल त्रिपाठी का 5 ओवर 14 गेंद पे। दोस्तों 1 ही ओवर में 2 विकेट ली थी ब्रेसवेल ने, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा ओवर हुआ था वो, एक बार बिल्कुल हैट्रिक हो जाती, रन भी बहुत कम दिए, बड़े विकेट छिड़काए उन्होंने इस मैच में। शानदार यहाँ पे हुई है गेंदबाजी, खास गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बोल्ड गया था। दोस्तों इससे आज के मुकाबला बहुत शानदार रहे हैं, पेचीदा जहाँ यहाँ पे सनराइज हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। दोस्तों कल दिल्ली वापसी की थी, अपने 10 अंक प्राप्त किए हो, 2 अंक एक्स्ट्रा मिले उनको, लेकिन अभी मुकाबला हाथ से निकल चुका है। तो यहाँ बात करें बॉलिंग की, तो दोस्तों बॉलिंग में दोस्तों 2 विकेट मिली है ब्रेसवेल को, वो किसी के खाते में विकेट कोई आए नहीं है। दोस्तों इस आईपीएल में मेडल वो बहुत ही कम निकले हैं, मोहम्मद शमी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछले मैच में यहाँ पे नहीं मिले हैं, वो देखने को मिले भी नहीं यहाँ पे इस मैच में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, अभी तक हमारे चैनल पर नहीं, पहले वीडियो पर पहली बार आप भी आए हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। IPL 23 का मुकाबला आज का संदेह था, बस आज से भी धन्यवाद। दोस्तों RCB की बात करें यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, दोस्तों तो यहाँ पे पहले मुकाबला लिया है यहाँ पे फील्डिंग का, पहले टॉस जीता हो यहाँ पे बैटिंग का फैसला नहीं करते हुए यहाँ पे पहले बल फील्डिंग कर रही है। दोस्तों तो विराट कोहली, एब्दुल ब्लेसिस, क्रेम मैक्सवेल पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, इसमें से महिपाल लामोर भी अच्छे बल्लेबाज यहाँ पे, मिचेल ब्रेसवेल, अनुज रावत ऑलराउंडर अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे, शहबाज अहमद, हर्षद पटेल, वैन पंडेल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज। दोस्तों यहाँ पे रोहित चैलेंज बेंगलोर, दोस्तों टीम विराट कोहली, एब्दुल ब्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लामोर, मिचेल ब्रेसवेल, अनुज रावत, शहबाज अहमद, हर्षद पटेल, वैन पंडेल और करण शर्मा यहाँ पे गेंदबाजी करने उतरे, मोहम्मद सिराज भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही पिछले मैच में अच्छा विकेट भी लिए थे। दोस्तों RCB का स्थान आगे 5वां चलो पे है, राजस्थान रॉयल्स अगले मैच जीतना होगा अगर आगे बढ़ना है, तो RCB आज जीतती तो अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी, कि पिछले 2 मैच लगातार हारे थे राजस्थान रॉयल्स, और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को आगे बढ़ना है तो यहाँ पे अच्छे प्ले ऑफ में जाना है। तो जैसे प्ले ऑफ के लिए अभी सभी टीमों को अपना बहुत ही खतरनाक बारीकी संघर्ष करना होगा, हर मैच जीतने की कोशिश करनी होगी ताकि कोई प्ले ऑफ में मैच पहुँच सके, क्योंकि ये लास्ट मुकाबला होने हैं, अभी ये लास्ट 6 मुकाबले ऐसे होने हैं जो इस 6 मुकाबलों में से सारी टीमें एक दूसरे से भिड़ेगी, और यहाँ पे जो भी अंक ज़्यादा लगेगा वो पहुँचेगा प्ले ऑफ में, प्ले ऑफ के बाद हो जाएगा सेमीफाइनल और फाइनल। दोस्तों तो 74 मैच होने हैं IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का मुकाबला, दोस्तों आज से 64 मुकाबला हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद दोस्तों 2 मुकाबला होते हुए यहाँ पे 20, 21, 22 और यहाँ पे 26 तारीख को होगा और 28 को होगा लास्ट, 28 मई को लास्ट मुकाबला होना है यहाँ पे IPL 2023 का मुकाबला। दोस्तों आज का मुकाबला RCB वैसे सुंदर हैदराबाद के बीच मुकाबला बहुत शानदार देखने को मिलेगा। दोस्तों आज कोई भी टीम जीतती है तो अपना परफॉर्म और अंक लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। दोस्तों सब दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों आज का मैच बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, RCB की अच्छी पकड़ हुई है यहाँ पे, बहुत ही कम रन रेट दी है यहाँ पे, 80 रन बने हैं 10 ओवर तक। दोस्तों ऐसे तो 160 का टारगेट जाएगा तो आसानी से जीत असल से आ सकती है हाथ में, क्योंकि ये यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद सिराज की अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं यहाँ पे, शहबाज अहमद की अच्छी गेंदबाजी होती है और दोस्तों 10 ओवर निकालने हैं। दोस्तों तो वापस हर्षद पटेल वगैरह, शहबाज अहमद, करण शर्मा, तो यहाँ पे बात करेंगे अच्छी परफॉर्म यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों इससे आज का मैच रहा था IPL 23 मुकाबला, पहले फर्स्ट इनिंग सन हैदराबाद बल्लेबाजी करी यहाँ पे, 80 का दिया टारगेट अभी तक 10 ओवर तक, तो 10 ओवर बाकी अभी बल्लेबाजी हो रही है। दोस्तों इस मैच बहुत ही शानदार प्रसिद्ध होता जा रहा है यहाँ पे, RCB की सूझबूझ की यहाँ पे गेंदबाजी है, अपने प्लेसेस यहाँ पे कैप्टन है, पिछले मैचों में मैक्सवेल ने प्लेसेस ने 120 किलोमीटर पारी खेली थी, उन्होंने अपना RCB पूरा किया था कुछ कप खेतों में। दोस्तों आज वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना, अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी IPL संबंधित हाईलाइट, WWE ऑल स्पोर्ट्स संबंधित हाईलाइट आपके सामने आ सके।
दोस्तों मुकाबला अच्छा हो चुका है, शहबाज अहमद एक ओवर में 16 रन दिए, 16 की कुल उम्र ही यहाँ पे। हर्ष पटेल दोस्तों दो ओवर में 12 रन दिए, 7-25 की उम्र। करण शर्मा एक ओवर में 11 रन दिए, 11 की उम्र ही। रोहित चले तो बेंगलुरु की बात करेंगे दोस्तों, विराट कोहली